Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madrid stars, by the Madrid stars and of the Madrid stars. तो यार दिन आ गया है, रियल मैड्रिड वर्सेस मैनचेस्टर सिटी है आज रात को 12:30। अगर आप स्ट्रीमिंग कहाँ होगी इस मैच की पूछना चाहते हैं तो ये सोनी लिव पे आएगा मैच, सोनी 10.2 HD पे भी आएगा ये मैच। एंड एक और क्वेश्चन को अगर मैं छोटा सा एड्रेस कर दूँ बिफोर गेटिंग इन टू द डिटेल्स ऑफ द मैच, इट इज़ दैट हम आज रात को स्ट्रीम नहीं करने वाले हैं। TCS भी जो हमारे मित्र हैं जयंत भाई एंड सूरज भाई, वो लोग स्ट्रीम करने वाले हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली हम उनके साथ ही रहने वाले हैं वहाँ पे। तो जुड़ जाना आप हमारे साथ वहाँ पे एंड वील टेक ऑल योर क्वेश्चंस, वील ऑल्सो गेट इन टू द एनालिसिस ऑफ दिस मैच। तो एनीवेज यार यही था मेरा सा ब्रीफ सा इंट्रो, लेट्स गेट इन टू द डिटेल्स ऑफ द गेम, व्हाट आई फील, व्हाट्स गोइंग टू हैपन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यार रियल मैड्रिड वर्सेज मैन सिटी, इट्स एन अवे गेम फॉर रियल मैड्रिड। तो वट आई फील कार्लो एंचेलोटी क्या समझ के चलेगा कि बिकॉज सिटी के फुल बैक्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्रिएटिविटी के मामले में, डिफेंसिव सपोर्ट के मामले में वगैरह, एंड उनके मेन फुल बैक्स आज मिसिंग होने वाले हैं। काइल वॉकर का भी कुछ श्योरिटी हमें आया नहीं है कि काइल वॉकर विल बी अवेलेबल फॉर दिस मैच, एंड जोआ गोंसाल्वो इज तो डेफिनेटली नॉट प्लेइंग इन दिस मैच। एंड अगर हम उनकी डिफेंस लाइन की बात कर लें तो रूबन डियाश एंड लपोर्ट रहने वाले हैं। तो बेंजेमा विल हैव अ हार्ड टाइम टुनाइट बिकॉज ही विल बी फेसिंग वर्ल्ड क्लास डिफेंडर्स। रूबन डियाश तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से तो पिछले साल ही वॉज द बेस्ट डिफेंडर इन द वर्ल्ड। कीपर के मामले में एडरसन भी बहुत अच्छा है ऑन द बॉल, बट कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये सीजन उसने थोड़ी बहुत डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी लेट डिसीजन करी है एंड दैट हैज़ लेड टू सिटीज गेटिंग अ गोल और ही इज़ प्रॉब्ली मेड अ मिस्टेक आउट ऑफ दैट। बट आगे अगर हम कुछ बात करें तो केविन डे ब्रुइन इज एक्सपेक्टेड टू बी बैक इन द लाइनअप अलोंगसाइड रोड्री। गुंडोगान की भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बर्नार्डो सिल्वा भी है ही है मैच में, एंड उनका फ्रंट लाइन हमें कुछ फोर्डन स्टर्लिंग का देखने को मिल सकता है। एंड अगर एक मैड्रिड पर्सपेक्टिव से अब मैं बात करूं कि यार मैड्रिड कैसे इस मैच को अप्रोच करेगी, तो मेरे हिसाब से मैड्रिड शुड ट्राई कंटेनिंग मैनचेस्टर सिटी एंड हिटिंग देम ऑन द ब्रेक, क्योंकि जहां तक मैंने सिटी को ये साल देखा है ना, उन्हें कहीं ना कहीं तब प्रॉब्लम आती है जब एक टीम लाइक क्रिस्टल पैलेस, एक टीम लाइक स्पर्स उन्हें हिटिंग दे हिट ट्राई टू हिट देम ऑन द काउंटर, दे ट्राई टू हिट देम ऑन द ब्रेक। ऑल्दो सिटी के पास काफ़ी पेसी प्लेयर्स हैं लाइक काइल वॉकर एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो अल्टीमेटली एक कवर अप कर लेते हैं, बट काइल वॉकर इवन इफ ही इज प्लेइंग ही वोंट बी एट 100%। तो आपको एक ये चीज़ देखने को मिलेगी विनीसियस वर्सेस काइल वॉकर, जो भी सिटी का जो राइट बैक होगा उसके बीच में एक बहुत इंस्ट्रूमेंटल 1v1 बैटल हमें आज देखने को मिलेगा, जो कि अपन इंडिविजुअल बैटल जिसको कहते हैं। अगर मैं एक और बैटल की बात करूँ तो मेरे हिसाब से मॉड्रिच वर्सेज डे ब्रुइन या फिर मैड्रिड की मिडफील्ड वर्सेज सिटी की जो मिडफील्ड होगी उसके बीच में एक बहुत ताबातोड़ हम लोग को बैटल देखने को मिलेगा, एंड प्रोबेबली वो ही डिसाइड करेगा कि कौन जीतता है ये टाई मेरे हिसाब से। एंड मैड्रिड की अगर एक लाइनअप मैं प्रेफर्ड या एक प्रेडिक्टेड लाइनअप अगर आपको दे दूं तो यार मैं तो चाहूँगा दैट अलाबा मिलिटाओ स्टार्ट इन द बैक लाइन अलोंगसाइड मेंडी एंड कारवाहल बीइंग आर फुल बैक्स। कोर्तुआ ऑब्वियसली गोज इन गोल, क्रूस शुड स्टार्ट दिस गेम। कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स के हिसाब से हमें देखने को मिल रहा था कि यार क्रूस मॉड्रिच कमाविंगा वेलवर्डे चारों ही स्टार्ट करेंगे, तो प्रिडिक्टेड लाइनअप के हिसाब से अगर मैं जाऊँ तो क्रूस कमाविंगा मॉड्रिच वेलवर्डे एज योर राइट विंगर या ऑर्थोडॉक्स विंगर जो भी आप बोलते हो, विनीसियस लेफ्ट विंगर बेंजेमा स्ट्राइकर। मैड्रिड की लाइनअप में ऐसा कुछ ऐसा प्रेडिक्शन करने के लिए तो है नहीं, बट अगर आपको एक सुपर सब के रोल में किसी को लाना होगा तो आपके पास रोड्रिगो की अवेलेबिलिटी रहेगी एंड कहीं ना कहीं हमें वेलवर्डे वर्सेस अलेक्जेंडर ज़िनचेंको देखने को मिल सकता है, जहां पे मैड्रिड शायद से उस बात का फायदा उठाएगी कि सिटी के पास जोआ गोंसाल्वो नहीं रहेगा एंड उनके पास कोई तगड़ा लेफ्ट बैक नहीं रहेगा। ज़िनचेंको इज डिसेंट, ही डज अ डिसेंट जॉब, बट ही इज नोवेयर नियर जोआ गोंसाल्वो। आई गेस एवरीवन कैन अग्री विद दैट। एक मिस्टेक जो मैड्रिड ने सिटी के खिलाफ करी थी वो थी, मैं 19-20 की बात कर रहा हूँ जहाँ पे हमने लास्ट टाइम सिटी को खेला था, वी ट्राई टू प्ले फ्रॉम द बैक एंड दैट इज़ वेरी स्टूपिड। मेरे हिसाब से मैं इस बात का पूरा क्रेडिट ना ज़िडान को दूंगा कि यार उसने इतना बड़ा ब्लंडर करा। मेरे हिसाब से कोई भी टीम को सिटी के सामने प्ले फ्रॉम द बैक नहीं करना चाहिए कि मतलब यू नो सेंटर बैक्स आपका धीरे धीरे गेम प्रोग्रेस करेंगे, गेम बनाएंगे, मिडफील्ड को बॉल आएगी, मिडफील्ड थोड़ा बहुत अपने पास पोजेशन रखेगी एंड फिर फाइनली अटैकर को बॉल देगी। ऐसा आप सिटी के सामने बिल्कुल भी नहीं कर सकते। यू नीड टू हैव अ सेट गेम प्लान एंड मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं मैं काफ़ी कल भी दिव्यांश भाई की स्ट्रीम पे काफ़ी ये चर्चा कर चुका हूँ एंड काफ़ी बार मैं सुन भी चुका हूँ कि मैड्रिड को एक तरीके का मिड ब्लॉक सेट करना पड़ेगा जो कि एट टाइम्स एक लो ब्लॉक की भी जगह लेगा, एंड मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये मैड्रिड प्लेयर्स लो ब्लॉक में डिसेंट जॉब ही कर लेते हैं
एंड अगेन लो ब्लॉक खेलो, हिट देम ऑन द काउंटर. एटलीस्ट फर्स्ट लेग में आपको सिटी के सामने यही खेलना पड़ेगा. सेकेंड लेग में एट द बर्नबाउ देखेंगे भाई वहाँ पे क्या होता है, क्या सीन बनता है वहाँ पे. तो मैंने आपको प्रेडिक्टेड लाइनअप भी दे दी. एंड कहीं ना जैसे कि अब भी जब भी अपन हाई लाइन खेल रहे होते हैं, वी लीव अ लॉट ऑफ गैप्स बिहाइंड. एंड यू नो अगेंस्ट चेल्सी मैंने खासकर ये देखा था कि मड्रिड के डिफेंडर्स या सेंटर बैक्स अलाबा मिलिटाओ, दे वर गोइंग टू ट्रैक दे सॉरी दे वर गोइंग टू प्रेस चेल्सी के फॉरवर्ड्स. अभी चेल्सी के सामने काम बन गया, बट नाचो तो ऐसा नहीं कर पाएगा ना. उसी चक्कर में हमने दो गोल खा लिए चेल्सी के सामने. ऑल दो बेंजेमा एंड रोड्रिगो इक्वलाइज एंड वेंट थ्रू द टाई, ठीक है, बट हर बार ऐसा नहीं हो पाएगा. फ्लूकिश गोल्स हमारे चैंपियंस लीग में इस बार बहुत रहे हैं, एंड वी कांट रियली डू विद फ्लूकिश गोल्स इन चैंपियंस लीग सेमीफाइनल्स. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज फॉर अस. एंड यार आपको एक लो ब्लॉक खिलानी पड़ेगी, एक मिड ब्लॉक खिलानी पड़ेगी, एंड आप सिटी को कंट्रोल दे ही नहीं सकते इस गेम का. सिटी शुड नॉट इवन स्कोर अ गोल फर्स्ट, सिटी शुड नॉट बी द फर्स्ट वन स्कोरिंग, मड्रिड हैव टू स्कोर द फर्स्ट गोल. क्योंकि अगर सिटी ने पहला गोल मार दिया तो सिटी के पास कहीं ना कहीं कंट्रोल आ जाता है मैच का, एंड कहीं ना कहीं फिर मड्रिड जो उनकी फ्लूकिश नेचर है, जो कि ओवर परफॉर्मिंग नेचर है, वो सब फेल हो जाएगा सिटी के सामने. तो ऐसा भी हम सिटी के सामने नहीं होने दे सकते. एक और चीज़ जो रहेगी ना, मड्रिड कैसा यू नो मतलब क्रूस मॉड्रिच की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगी, दैट दे गिव देयर 100%. मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं क्रूस को सब ऑफ करके आप वैलवर्डे को मिडफील्ड में डालोगे, एंड आप कहीं ना कहीं और रोड्रिगो को इंट्रोड्यूस कर दोगे पिच पे, सो दैट यू नो रोड्रिगो ट्राइज टू ब्रेक इन एंड यू नो स्कोर पास सिटी, या फिर यू नो असिस्ट बेंजेमा. ऐसा भी हमें देखने को मिल सकता है. तो फाइनल यार मैं इस वीडियो को ज़्यादा खींचना चाहूँगा नहीं, बिकॉज मेरे को भी थोड़ी सी नर्वसनेस फीलिंग आ रही है अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, बिकॉज इट्स द गेम डे टू डे एंड ऑलमोस्ट सभी लोग इस बारे में बात कर चुके हैं, तो अननेसेसरी खींच के कोई पॉइंट नहीं है. तो फाइनल मैं प्रडिक्शंस दे दूँ, मैं यूजली देता नहीं हूँ, मैंने चेल्सी और पीएसजी के सामने आफ्टर सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दी थी, बट अगर इस गेम की अगर मेरे को प्रडिक्शन देनी हो तो मैं कहूँगा 1-0 रियल मैड्रिड विल विन. अब ये मेरे से मत पूछना कि भाई कौन गोल मारेगा कौन गोल नहीं मारेगा, ये सब इतना डिटेल में मैं तो नहीं दे सकता, बट मड्रिड विल हैव टू स्कोर इफ दे नीड टू सी दिस थ्रू. आप सिटी को पहला गोल मारने नहीं दे सकते, क्योंकि अगर वो कर लेती है तो वो गेम जीत जाएगी, बिकॉज उतना उनमें गुद्दा है कि एक गोल मारने के बाद दे नो दे हाउ टू सेट द टेम्पो, एंड देव गॉट वे मोर टेक्निकल प्लेयर्स देन पीएसजी और प्रोबेबली अ चेल्सी साइड, एंड फॉर दैट मैटर प्रोबेबली इवन रियल मैड्रिड से भी ज़्यादा टेक्निकल प्लेयर्स उनके पास हैं. तो आप उनको आउटसाइड द बॉक्स भी ज़रा सा भी चांस नहीं दे सकते. अगर वो मड्रिड के बाहर भी है बॉक्स के, यू जस्ट कैन नॉट लीव स्पेस फॉर देम टू टेक शॉट. तो यार इफ यू आर वॉचिंग टिल द एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू द मड्रिड पंडित्स. अब तो हम 800 सब्सक्राइबर्स के भी बहुत क्लोज आ चुके हैं. आई थिंक बाय द टाइम आई एम फिल्मिंग दिस वीडियो वी हैव गॉट अराउंड 760 सब्सक्राइबर्स और समथिंग. तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, घंटी बजा दो, सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम अस. लाइक दिस वीडियो एंड सी यू टुनाइट इन TCSB भाई की स्ट्रीम, एंड स्टे ट्यून फॉर मोर टॉप क्वालिटी कंटेंट. हाला मद्रिद इन आदा मास, लेट्स सी दिस थ्रू.